दिल्ली एम्स में आने वाले मरीज और उनके तीमारदारों के लिए जल्द ही एम्स के आसपास के मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप से एम्स तक पहुंचने के लिए जल्द ही इलेक्ट्रिक बस की सुविधा मिलेगी। एम्स के द्वारा जल्द ही 20 सीटर एसी बस की सुविधा मरीज और उनके तीमारदारों के लिए शुरू की जाएगी, जिससे कि उन्हें एम्स तक पहुंचने के लिए महंगे ऑटो, ई रिक्शाज और रिक्शा से निजात दिलाई जा सके। एम्स मीडिया सेल के इंचार्ज प्रोफेसर रीमा दादा ने बताया कि ये पहले हमारे निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर एम श्रीनिवास द्वारा एम्स में इलाज के लिए देश के अलग अलग कोने से आने वाले मरीज और उनके तीमारदारों को मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप से एम्स आने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए की गई है। एसी बस की सुविधा शुरू होने के बाद मरीज और उनके तीमारदारों को कम किराए में मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप से ही हम एम्स के अंदर तक इलेक्ट्रिक एसी बस की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कि यहां तक पहुंचने में उनको समय और पैसे दोनों से बचत होगी। उन्होंने बताया कि एसी बस की सुविधा एम्स के नज़दीकी मेट्रो स्टेशन से यानी कि लाजपत नगर, साउथ एक्स, ग्रीन पार्क आदि मेट्रो स्टेशन से शुरू की जाएगी। इसके अलावा नज़दीकी बस स्टॉप किदवई नगर, गौतम नगर और बीकाजी कामा प्लेस सहित अन्य कई बस स्टॉप से यह सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि एम्स के निदेशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास के गाइडेंस में तैयार की गई यह एक समग्र योजना सार्वजनिक परिवहन द्वारा संस्थान के भीतर आंतरिक स्थलों तक कनेक्टिविटी को सुलभ बनाएगी। ये 20 सीटर ई बसें आधुनिक सुविधाओं जैसे एयर कंडीशनिंग, लो फ्लोर और व्हीलचेयर एक्सेस के साथ उपलब्ध होगी। अभी आसपास के मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप से एम्स के विशाल परिसर के भीतर विभिन्न सुविधाओं तक आने जाने में मरीजों और उनके तीमारदारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सुविधा को लेकर एम्स के निदेशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास ने कहा कि हम एम्स नई दिल्ली में रोगी अनुभव को हर दिन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल न केवल हमारे रोगियों की परिवहन संबंधी समस्याओं को हल करेगी, बल्कि परिसर के भीतर भी एक विश्वसनीय और सुविधाजनक सवारी भी प्रदान करेगी। ई बस सेवा की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि बेहतर कनेक्टिविटी और सेवाओं से मरीजों को निजी परिवहन का उपयोग करने की आवश्यकता समाप्त होगी। इससे लोग निजी वाहनों का उपयोग कम करेंगे तो वाहनों से होने वाली प्रदूषण को भी कुछ कमी आएगी। मरीजों की सुविधाओं के लिए शेल्टर की जानकारी देने के लिए कॉल बटन की सुविधा भी होगी। बेहतर सुरक्षा और लाइव मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस भी उपलब्ध होंगे। लेन देन की आसानी और पारदर्शिता के लिए यूपीआई कार्ड के माध्यम से किराया संग्रह होगा। एम्स प्रशासन आने वाले मरीजों के लिए 24 घंटे सैंपल कलेक्शन और एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे की सुविधा देने की तैयारी कर रहा। अगले महीने से यह सुविधा शुरू होने की संभावना है। एम्स मीडिया सेल के प्रभारी प्रोफेसर रीमा दादा के अनुसार एम्स में जल्द ही 24 घंटे सैंपल कलेक्शन और रेडियोलॉजी सेवाओं में एमआरआई, सिटी स्कैन और एक्सरे सहित अन्य सुविधाओं भी शुरू होने की तैयारी है। इससे दूर से आने वाले मरीजों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें सैंपल देने के लिए और एमआरआई, सिटी स्कैन और एक्सरे के लिए बार बार अस्पताल के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। एम्स में हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कई पहल कर रहे हैं, जिससे कि मरीजों को जो यहाँ दिखाने आते हैं और उनके तीमारदार को कोई दिक्कत ना आए, और उनकी सुविधा के लिए कई फैसिलिटीज़ शुरू करी हैं। जैसे कि पिछले एक साल में हमने देखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल सारा सैम्पल्स कलेक्शन टाइम, जो भी लैब टेस्ट थे जिनके टाइम होता था 9 से 12 बजे तक, अब उनको हमें बना दिया है 8 से 6:30 बजे तक। तो जो मरीज़ हमें दिखाने आते थे वो उसी दिन उनको अगले दिन आना पड़ता था पहले सैंपल देने के लिए, टेस्टिंग के लिए। परंतु जब से ये टाइम बढ़ाया है, मरीज़ों को उसी दिन अपने टेस्ट करा सकते हैं। और हमारे स्मार्ट लैब में करीब 90 से 95,000 रिपोर्ट्स डेली जनरेट होती हैं। जैसे कि रेडियोलॉजिकल सर्विसेज हैं, उसमें जैसे कि एक्सरेज हैं, एमआरआई हैं, ये 24/7 राउंड द क्लॉक ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो दैट अब हमारे जो डायग्नोस्टिक हमने उसकी 20% बढ़ा दी है, और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है मशीनरी का। और ये देखा गया है कि जितने भी हमारे ये सर्विसेज हैं, ये सारे गरीबों से गरीब, सबसे गरीब मरीज तक को सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। दूसरा, जब मरीज़ यहाँ आते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंपस है, 200 एकड़ में फैला हुआ है। सो दैट उनको कोई दिक्कत ना आए, एक से दूसरी जगह जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जब वो मेट्रो स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ से यहाँ आने में उनको कई दिक्कत होती है, और कई ऑटो रिक्शाज उनको बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेते हैं। उस कारणवश हमारे डायरेक्टर ने ये ई बसेस शुरू करी हैं, जिसके तहत INA मेट्रो स्टेशन से, साउथ एक्स के मेट्रो स्टेशन से मरीज़ों को यहाँ लाया जाएगा,
और यहाँ के भी अलग अलग सेंटर्स से, जैसे कि तुम्हें ट्रॉमा सेंटर जाना है, बर्न्स प्लास्टिक जाना है, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारी परिक्रमा सर्विसेज हैं, जिसमें हमारी ई बसेस, ई व्हीकल्स हैं, 30 व्हीकल्स ऑलरेडी अप्लाई कर रही हैं, परंतु अब हम ये नई इलेक्ट्रिकल बसेस शुरू कर रहे हैं जो एयर कंडीशन बसेस हैं। ये लो लाइंग बसेस होंगी, इनसे पोल्यूशन नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात है जो मरीज़ बुज़ुर्ग होते हैं जिनको थोड़ा चढ़ने में डिफ़िकल्टी, वो आसानी से चढ़ पाएंगे, इनमें व्हीलचेयर एक्सेस भी होगा। सो ये फैसिलिटी हमारे डायरेक्टर ने शुरू करी है, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये बसेस सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हर 10 मिनट में अप्लाई करेंगी, और रात को 7 PM से 7 AM तक हर 15 मिनट में। सो मरीज़ों को ये दिक्कत कोई नहीं आएगी एम से एक से दूसरी जगह जाने में। दूसरा, हमने ये भी शुरू किया है कि बहुत हमने यहाँ नए वेटिंग हॉल बनाए हैं अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ गेट नंबर 2 के बिल्कुल पास हम एक वेटिंग हॉल और अंडरग्राउंड पार्किंग बना रहे हैं। ये वेटिंग हॉल बिल्कुल एक लाउंज की तरह होगा, एयर कंडीशन लाउंज की तरह जो एयरपोर्ट्स पे होते हैं। यहाँ पे पेशेंट्स के लिए खाना उपलब्ध होगा, वेंडिंग मशीन होंगी, टॉयलेट होगा, स्वच्छ वाटर की फैसिलिटी होगी। सो इससे मरीज़ों को बहुत आराम होगा कि एटलीस्ट जब वेट कर रहे हैं या कोई प्रोसीजर के या जल्दी आ गए हैं या किसी चीज़ के लिए वेट करना है, तो इनको एक साफ़ सुथरी जगह, एयर कंडीशन